अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं की वजह से हम लोग भी सब खैरियत से है। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, तो गाइस वेरी सरप्राइज। आप लोग सोच रहे होंगे कि अनम नशा ट्रेन में ट्रैवल करके कहाँ जा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है गाइस। आपको धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप मैं बताती रहूँगी। मेरे ब्लॉग नहीं अपलोड करने का बिजी होने की वजह भी यही चीज़ है। ये शुरुआत ऐसी हुई थी कि मुझे आया था एक कॉल, जिसके पर जैसे मुझे बुलाया गया था, जिसका लोगो आपने फर्स्ट में देखा, उस जगह पर हमको बुलाया गया था। तो हम अब फैमिली हमारी पूरी वहाँ जा रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो देखिए ये जगह है वो जहाँ हमको बुलाया गया था। अब देखते हैं ये आगे आगे होता है क्या। गाइज वेरी सरप्राइज। हम लोग बड़े स्टाइल से बहुत खुशी खुशी वहाँ गए थे। हमको लगा कुछ बड़ा बिग होने वाला है, पर वो भी आगे आगे आपको सरप्राइज भी पता चलेगा कि हुआ क्या। ये हम वो बहुत एक्साइटेड थे। आप लोग समझ सकते हो हमारी एक्साइटमेंट का लेवल क्या होगा। मैं, मेरे बच्चे, हम दोनों तीनों बहुत एक्साइटेड थे। अब हम एक्साइटेड होकर इंट्री कर रहे हैं जहाँ हमको बुलाया गया था। जी हाँ, आप लोग सब समझ चुके होंगे, हमको कास्ट्यू ने कॉल करके बुलाया था। अब ये कास्ट्यू का ऑडिशन हो रहा है, अनम और नशरा दोनों का ऑडिशन हो रहा है। फिर गाइज हुआ यूँ कि हमको ऑडिशन में बुलाया गया। हमने ऑडिशन दिया, उसके बाद उन लोगों ने हमको पोर्टफोलियो के लिए अप्रोच किया। फिर हमने बोला ठीक है। उनके पास एक ही लॉट था, तो जिसमें हमने हमारी नशरा के लिए नाम लिखा दिया। अब उसका होने वाला था पोर्टफोलियो, इसके लिए जाना था सुबह 10 बजे। तो इसके डैडी ने बोला, हम रात ही को निकल गए थे क्योंकि सुबह 10 बजे शूट टाइम पर पहुंचना इम्पॉसिबल था। तो इसके डैडी हमको ट्रेन में छोड़ने आए थे। अब वो हमको यहीं से ट्रेन में छोड़ देंगे, हम रात को ही गोरेगांव पहुँच जाएँगे। गोरेगांव में हम जाएंगे हमारे नानी के घर पे। तो इसके डैडी बड़ी केयरफुली हम लोगों को छोड़ते हुए फास्ट डायरेक्ट ट्रेन में वो हमको छोड़कर चले गए। अब हो गए नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे इतनी गड़बड़ थी कि मैं आपको कुछ शूट नहीं कर पाई। हम डायरेक्टली फटाफट शूट पर पहुँचे। यस, ये नशरा का मेकअप हो रहा है। ये तैयारी हो रही है पोर्टफोलियो की, कास्ट्यू की तरफ से जो पोर्टफोलियो हुआ था। ये कोई ब्रांड शूट नहीं है गाइज, ये पोर्टफोलियो है। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। नशरा इज़ वेटिंग, रेडी होके नशरा वेट कर रही थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, कुछ नया करने को मिला। अनम नशरा भी बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे, अच्छा एक्सपीरियंस था। दूसरे भी मॉडल्स थे वहाँ जो रेडी हो रहे थे। नशरा वेटिंग में थी, समीर भी हमारे साथ आया था। अब देखिए नशरा इज़ वेरी डरी हुई थी। नशरा को बहुत बिल्कुल नशरा को आज तक कैमरा फेस नहीं किया था। उसने ब्लॉगिंग की थी, बट उसने रियल कैमरे के सामने आज तक उसका कोई शूट नहीं हुआ था। तो नशरा का मेकअप हो रहा था, नशरा बहुत एक्साइटेड हो रही थी, बहुत खुश हो रही थी। हम लोगों को भी अच्छा लग रहा था। आई होप आप लोग भी ये वीडियो इन्जॉय करेंगे, देखिए एंड तक। मैंने थोड़े बहुत वीडियोज़ लेने की कोशिश की, जैसे जैसे मुझे समझ में आया मैंने लिया। यहाँ देखो, आप लोग समझ सकते हो हम कितने एक्साइटेड होंगे। वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो ये नशरा को अलग अलग तरीके की लोग वो बता रहे थे, स्टाइल बता रहे थे। नशरा उन लोगों के हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों की गाइड करने को समझ रही थी और पोजेस मार रही थी। और उसका 3 ड्रेसेस चेंजिंग थे। अब एक और ड्रेस चेंज हुआ, नशरा इज़ वेटिंग, क्योंकि दूसरे बच्चे का पोर्टफोलियो हो रहा था, तो नशरा वेटिंग में थी। हमारे साथ समीर भी आया था, वो आपको साइड में दिख रहा होगा। नशरा या अनम नशरा एक दूसरे से गुफ्तगू करते हुए। ये अनम की स्टोरी। अनम के लिए भी गाइस सरप्राइज है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, अभी नहीं, स्टेप बाय स्टेप। नशरा बहुत फ्रेंडली, बहुत अच्छे से उन लोगों के स्टेप्स को समझ रही थी और एक से एक पोज मार रही थी। हम लोग दोनों तीनों पीछे से इतना हंस रहे थे उसको देख के कि हमको उम्मीद नहीं थी कि नशरा इतने अच्छे से पोजिंग करेंगी या डरेगी। अब ये उसका 3rd ड्रेस का था, उसके रेडी हो रही थी। मेकअप
मेकअप आर्टिस्ट उसको मेकअप कर रहे थे और मैं और अलम मेकअप आर्टिस्ट को हेल्प कर रहे थे। जब तक नशा का मेकअप हो रहा था यहाँ पर एक और मॉडल आया था, वो मॉडल की शूटिंग चालू थी। यहाँ पर नशा रानी रेडी हो रही थी, अपने आप को लाइक अ प्रिंसेस, फील लाइक अ प्रिंसेस। हम लोग बहुत हंसे, बहुत मज़ा किया, उसकी बहुत उसको सताया क्योंकि वो इस तरह से फील कर रही थी कि मैं कहीं की प्रिंसेस हूँ। इतना अच्छा उसको पैम्परिंग मिल रहा था वहाँ पर। ये हो गई नशा रेडी, अब उसके पोजेस चालू हो गए। कैमरा मैन इज सो अंडरस्टैंडिंग, सो सॉफ्टली, सो सॉफ्टली, एकदम बहुत अच्छे कैमरा मैन थे। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से नशा को गाइड किया, इतने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट इतने सॉफ्टली नशा को इतने अच्छे से पैम्परिंग कर रहे थे। टोटल स्टाफ इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से हम लोगों को ट्रीट किया गया। हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे, हमको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा ही कुछ हो सकता है, पर बहुत अच्छे से हुआ, बहुत मज़ा आया। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें सिखाई मुझे, बच्चों को। कास्ट यू इज़ द बेस्ट एजेंसी गाइज, आप लोग भी कास्ट यू से जुड़िए और कास्ट यू के साथ जुड़ के आप लोग भी अपने ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये फोटोशूट क्यों हो रहा है। आप जैसे बहुत से लोगों ने मुझे बहुत से क्वेश्चंस करे, रिश्तेदार, रिलेटिव, फ्रेंड्स, सबका जवाब इस ब्लॉग में है। गाइस आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ, कास्ट यू कंपनी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और बड़े बड़े ब्रांड मिंत्रा और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो वो सब ब्रांड्स के लिए अब बच्चों को देती है, मतलब बच्चों को फ़ोटोशूट के लिए भेजती है। अब वो डायरेक्टली तो भेज नहीं सकती बिकॉज शी इज़ अ ब्रांड, वो सब ब्रांड्स है ना, तो ब्रांड के लिए अगर फ़ोटोशूट करना है तो उसके पहले बनाना पड़ता है पोर्टफोलियो, जो बहुत ज़रूरी होता है। और कास्ट यू कंपनी बहुत बड़ी और बहुत ब्रांडेड है, उसके साथ जुड़कर पोर्टफोलियो बनेगा तो गाइस आप एनी टाइम एनी जगह आप काम कर सकते हो उस पोर्टफोलियो के बेसिस पे। तो इसी वजह से हमने पोर्टफोलियो बनाया, कास्ट यू ने हमको काम दिया और हमारी जर्नी बहुत बेस्ट रही। थैंक यू कास्ट यू, आप लोगों की वजह से मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिला। आगे हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोजेक्ट्स की फ़ोटो और वीडियो डालती रहूँगी। इसके लिए आपको करना होगा इंतज़ार और इंतज़ार, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कह सकती। बहुत एक से एक प्रोजेक्ट्स हमको मिले, कास्टियो ने भी प्रोजेक्ट्स दिया और दूसरे भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। ये पोर्टफोलियो ने हमारी ज़िंदगी को बदल के रख दी, एकदम ज़िंदगी हमारी बदल गई है। थैंक यू कास्टियो, प्लीज़ गाइस अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। हैप्पी हम मैं हमारी हैप्पीनेस आपको दिखी रही होगी मेरे और मेरे बच्चों के चेहरे पर और समीर के भी चेहरे पर। खुशी होती है ना गाइस, कुछ अच्छा होता है, तो इसी तरह काश्यू ने। थैंक यू।